हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज और मैं इस चैनल में न्यू क्रिएटर के लिए वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिससे आप किसी भी इमेज के ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट को या फिर लोगो वगैरह को इजीली रिमूव कर सकते हैं कुछ ही मिनट में। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ती ही रहती होगी और इसी वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। अभी जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने मैप की एडिटिंग के लिए इसी एप्लीकेशन की सहायता से मैंने उसका एडिटिंग कम्प्लीट किया था। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ चल के हम देखते हैं कि इसका इस एप्लीकेशन का यूज़ हमें कैसे करना है। तो जैसा कि एप्लीकेशन का नेम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस एप्लीकेशन का नाम है रिमूव अनवांटेड ऑब्जेक्ट। सिंपली इसको ओपन करना है, यहाँ पर देख पाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कैमरा, गैलरी वगैरह सब मिलेगा। तो सिंपली आपको गैलरी में जाके कोई इमेज को ले लेना है जिसका कि आपको ऑब्जेक्ट हो जाए या फिर टेक्स्ट है या लोगो वगैरह है कुछ रिमूव करना हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इमेज ले लेता हूँ, जैसे कि जो मैंने पिछली वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक मैप के एडिटिंग में मैप में बहुत सारे टेक्स्ट थे तो मैंने उसको रिमूव किया था। तो मैं एग्जांपल के लिए उसी को इमेज को लेकर आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रही है एक मैप है जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा टेक्स्ट तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो सिंपली आपको देखिए आप यहाँ पर ब्रश का आइकन में क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग्स इसका साइज़ वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, कम या छोटा कर सकते हैं। और भी हमें एक आध ऑप्शन और भी मिलते हैं बट हम सिंपली अभी हम ब्रश का यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली देखिए आपको अपनी इमेज को जूम करना है और जिस भी ऑब्जेक्ट को, जिस भी टेक्स्ट को आपको रिमूव करना है सिंपली उसमें आपको इरेज कर देना है। इसका सिंपली दोस्तों आपको प्रोसेस में क्लिक कर देना है और आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जितने भी टेक्स्ट वगैरह है वो सब आपका रिमूव हो चुका होगा। प्रोसेसिंग में दोस्तों बस एक दो सेकंड का ही टाइम लगता है, फिर उसके बाद ये हो जाता है इरेज। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं हमारा जो जितने भी टेक्स्ट वगैरह थे, जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह थे, वो सब रिमूव हो चुके हैं। आप जैसे भी हम एडिटिंग करना चाहते हैं, एडिटिंग जो भी बताना चाहते हैं, सिंपली हम ऐसे इमेज को यूज़ कर सकते हैं आसानी से। ऊपर देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सेव का आइकन बना हुआ है, इसमें क्लिक करके आप सिंपली अपने इमेज को सेव कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक इमेज और लेके आपको एडिट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप ये इमेज स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि वाटर मार्क है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो सिंपली हम इसको अभी इरेज करके देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं पूरे अच्छी तरह से इरेज हो चुका है। इसी प्रकार से आप अगर YouTube क्रिएटर हैं तो आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं इसका। दोस्तों अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और आप किस टाइप की वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा जिससे कि मैं उस टाइप की वीडियो आपके लिए बना सकूँ।